बेहोश की स्थिति में है, जो पति उनका स्थिति ठीक नहीं है, बेहोश पर इसका आपको नाम चाहिए दोनों साइड होइए ना, पूरा नाम चलिए चलेंगे पप्पू यादव कोई नेता कोई एमएलए कोई एमपी और ये मुद्दा क्यों नहीं बनता। इसके पहले 5 बार छपरा में मौत हुई, कोई एमएलए एमपी वहां गए, इस पर कानून बनी और वही माफिया वही लोग जो लोग भट्टी चलाते हैं फिर यह शराब वहीं से अमनौर से और अन्य जगहों से आया तो उस पर कार्रवाई हुई नहीं। और आज नगर निगम नगर चुनाव एमएलए एमपी का चुनाव बगैर शराब के होता है, बड़ा बड़ा जो बात आप लोग करते हैं, एमएलए एमपी का चुनाव हम लोग लड़ते हैं ना, तो बगैर शराब बांटे वोट बांट मिलता है हम लोग को, बिना मुर्गा बिना दही चूड़ा बिना शराब के वोट देगा लोग? क्या लगता है मौत पर भी राजनीति बिहार में? भैया बात समझ में नहीं आता है, हम कल आए हैं नौगछिया में मुखिया के भाई को मारा, उसके बाद हम चले गए पीरपैती जहाँ लेडीज को टुकड़ी टुकड़ी काट दिया, परसों थे हम जहाँ दलित के दोनों माए बेटी को मार दिया, उसके पहले थे जहाँ निरंजन सिंह वर्सेस क्रिमिनल का लड़ाई था उसको डाइवर्ट कर रहा था वहाँ कटिहार में। अब आप हमको बताइएगा ना भाई, आप कल मार दिया मंटू शर्मा को, अच्छा उसके बाद दानापुर में 3 आदमी को मार दिया जो तीनों अत्यंत पिछड़ा गरीब लोग थे, तो ये नेता लोग इस जात का हुआ ये नेता पहुंच जाएंगे, इस जात का हुआ तो ये नेता पहुंच जाएंगे, इस जात का हुआ तो ये नेता पहुंच जाएंगे। अपराध और मौत को भी आप जाति से पूछिएगा, कौन जात मारलक हो के मरल बा हो तो के मरल बा, कौन जात मारलक आ ककर बलात्कार हो लग के करलक, समाज भैया आप गलत लोगों को तवज्जो कौन दे रहा है? समाज ही दे रहा है, सोसाइटी दे रही है ना जी सर। जिसके चलते ये गंदे लोग एमएलए एमपी बनते हैं, क्या बात करते हो यार, ये जो पूरा का पूरा नदी के किनारे बालू के जो धंधा करने वाले गरीब लोग थे मिडिल क्लास थे उसकी ज़िंदगी कौन छीना है? हम ओवरलोडिंग माफिया लोग ट्रक चलाता है और जिसकी रोजगार चलती थी नदी के किनारे, जादव है राजपूत है और भी कुछ जातियाँ जो नदी के किनारे है, जो मल्ला है वो छोटा छोटा नाव लेके आता है और उसके नाव को पुलिस प्रशासन डुबा दिया होगा। सर जो सुन रहे हैं हम, मौत की संख्या 100-200 से ऊपर का बताया जा रहा है जी। जो सुन रहे हैं हकीकत क्या है, सवाल ये नहीं उठता ये मर गए दोष है, इनका क्या दोष है, ये बच्चे का क्या दोष है, इसकी परवरिश कौन करेगा? जब आप डूबने वाले एक्सीडेंट वाले को पैसा देते हो, अन घटना में कानून बनाए हो कि दलित या गरीब का बच्चा कोई मरेगा तो हम उसको नौकरी या कानून बनाए थे इस बार, सवाल गाली गलौज या सदन सवाल है, इस पर एक मजबूत बहस की जरूरत है। जितना दलित और गरीब का गांव जाइए वहाँ भट्टी चल रहा है, अब भट्टी कौन चला रहा है, दलित लोग। पप्पू यादव ने जगह अड्डा बना लिया, शराबबंदी के बाद सबसे ज़्यादा परेशान कौन हुआ है, 6 लाख जेल कौन गए हैं, पप्पू यादव पदाधिकारी या गरीब लोग? गरीब लोग, उसमें दलित ही नहीं है, उसमें निषाद है मल्ला है कुम्हार है कहार है, जहाँ जो गरीब है जिस जात का गरीब है वो जेल गया और वो परेशान हुआ, तो शराबबंदी से परेशान कौन हुआ? करिए ना शराबबंदी, प्रयास में दिक्कत नहीं है, एक फुंसी के लिए गर्दन कटा रहे हैं हम लोग, उसका इलाज कीजिएगा ना। जो थानेदार 1 करोड़ कमा लेता है शराब से और उसको सस्पेंड करते हैं 10 लाख के बाद दूसरा थाना मिल जाता है, तो 90 लाख का तो बेनिफिट हुआ ना जी। क्या शराब पीती है, कितने एसपी डीएम का अब तक कार्रवाई हुई, कितने नेता की कार्रवाई हुई, हमको आप एक बात बताइए, बहुत क्लियर बताइए, कौन यादव के घर में पकड़ा था दारू के लिए मंत्री मुजफ्फरपुर वाला, राम सूरत राय के घर में कि नहीं पकड़ा था? और रूढ़िया दलित गरीब है तो सबको 10-10 हज़ार रुपया पप्पू यादव के तरफ से जाएगा ताकि वो जीवन में उसका बच्चा के लिए कोई दुकान अंडा का दुकान कोई चीज़ कर ले। सरकार जो माने हम गरीबों को रोड पर मरने तो नहीं देंगे, ये मैं आपको बता दूं। जिम्मेदार आप किसको मानते हैं?
ये नगर ये जो चुनाव हो रहा है ये शराब एक ही जगह से ना बटा कहीं जी। तो आप, वही आदमी प्रिजाइड कर रहा है, वही प्रिजाइड कर रहा है, आप उसको क्या करिएगा, उसको फांसी नहीं दीजिएगा। आप लोग तो लाठी ले चाहिए, यही लोग यही यही बोलेगा, यही लोग बोलेगा। पप्पू यादव का बिगड़े तरीके से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस गांव में पहुंचकर लोगों की बात कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों से बात करते हुए कहा है कि 10,000 और यहाँ जो तस्वीर साफ तौर पे है, यहाँ पे पप्पू यादव है। पप्पू यादव 100 के सामने देखिए किस तरीके से अपनी जो बातें हैं वो किए हैं। कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी के बाद जो तस्वीरें हैं वो पहले देख लीजिए किस तरीके से पप्पू यादव एक तरफ है तो दूसरी तरफ इधर 100 रखा हुआ है और देखकर कैसे पप्पू यादव अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अरे है दे बारा नहीं करना अभी नहीं तू माँ कहाँ तो अस्पताल में भरी रखो माँ के दिया समझ लो दादी के दे दादी के चलिए